इससे पहले इतने सारे नेता खा पी करके गए, उन्होंने ऐसी सोच अपने देश के प्रति रखी? देश के हित में रहता तो वो हर चीज का विरोध करते, कांग्रेस पार्टी एक काम ही यही रह गया है। मेरा भारत बढ़ रहा है, मेरा भारत तरक्की कर रहा है, मेरा भारत सम्मान पा रहा है। UCC जब तक लागू नहीं होगा ना, तब तक भारतीय संस्कृति का बेड़ा गर्क हो रहा है। पक्ष का काम ये है कि अच्छा काम कैसे हो रहा देश में, उसको तकलीफ इस चीज की है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन लाइव में। मैं हूं आपके साथ शिवशंकर उपाध्याय। मोदी सरकार के 9 साल पूरा होने के बाद जहां धारा 370 हटी है, उसके बाद जिस तरीके से 35 से हटा, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा जो सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, वो भी एक तरीके से जिस तरीके से उसका मुद्दा सॉल्व हुआ है, अब उसके बाद देश में UCC लागू करने की प्रक्रिया जो है मोदी सरकार द्वारा पहल की जा रही है, इसको लेकर अब विरोध भी पार्टियां कर रही हैं, लेकिन आम जनता क्या बोल रही है, उस पर क्या सोच रही है, क्या समान कानून लागू होना चाहिए देश में, जिस तरीके से मोदी सरकार का कहना है कि एक देश एक संविधान होना चाहिए, उसको लेकर क्या कुछ सोच रहे हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हम दिल्ली में हैं। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, जो एक देश एक संविधान का UCC लागू होने वाला है, उस पर क्या कहना चाहेंगे, लागू होना चाहिए नहीं लागू होना चाहिए? लागू तो होना चाहिए, लागू तो ज़रूर होना चाहिए, लेकिन क्या कारण है कि लागू नहीं हो पा रहा, वो तो विपक्ष को तय करना चाहिए। विपक्ष के लोग हर चीज़ पे विरोध करने लगते हैं, चाहे देश के हित में हो या देश के हित में रहता तो वो हर चीज़ का विरोध करते, कांग्रेस पार्टी एक काम ही यही रह गया है। और तो और कांग्रेस के साथ जो तमाम पार्टियाँ विपक्ष की, वो भी उसका साथ देती है, तो इससे ये समझा जा सकता है कि एक मोदी जी को टारगेट करने के लिए सारी विपक्ष की पार्टियां एक हो चुकी है, कोई अच्छा काम करने ही नहीं देती मोदी जी को, उसमें अड़ंगा लगा देती हैं ये लोग नहीं चाहते मोदी जी कोई अच्छा काम करे, उनका नाम हो देश में, वो चाहते कि मोदी जी अच्छा काम कर कैसे रहें। लोगों का इतना प्यार है मोदी जी के प्रति, अगर मोदी जी कोई अच्छा काम करते तो उन्हें ये लगता कि क्या पता मोदी जी सारा वोट ना खींच लें। भाई साहब, मोदी जी का कोई वोट का बैंक, वोट बैंक की राजनीति वो करते ही नहीं, लेकिन विपक्ष के जो पेट में दर्द होता है, इस चीज़ से हमें भी दिक्कत है, लेकिन इस चीज़ को सरकार को कड़ा फैसला लेना चाहिए। जैसे धारा 370 हटा दी, वैसी इस पर भी कड़ा फैसला लेके तुरंत इसे लागू कर देना चाहिए, इस समय देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है ये कानून। लेकिन विरोधी जो अभी सपा के सांसद हैं, उनका कहना है कि इससे जो है देश में कुछ होने वाला नहीं है, एकता नहीं बनी रहेगी, अगर UCC लागू होता है तो इससे देश की एकता बिगड़ेगी, आपको क्या कहना है? बताओ मेरे को क्या कहना है इन लोगों के लिए, भाई साहब इन लोगों का तो यही है, इससे कैसी एकता बिगड़ जाएगी, क्या कारण है एकता बिगड़ जाएगी, कोई मतलब नहीं है। ये तो राम मंदिर के भी फैसले पे कहते थे, राम मंदिर का फैसला आ जाएगा तो खून की नदियां बह जाएंगी, भाईचारा ही उत्तर प्रदेश में ख़त्म हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ। एक मिनट, राम मंदिर भी बन गया, धारा 370 भी हट गई, तमाम बड़े फैसले मोदी जी ने लिए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन विपक्ष का काम ये है कि अच्छा काम कैसे हो रहा देश में, उसको तकलीफ इस चीज़ की है। बात ये नहीं है कि अच्छे काम हो रहे, बात ये है कि मोदी जी अच्छे काम कर रहे तो चुनाव जीत जाते हैं, उन्हें तकलीफ इस चीज़ का है कि मोदी जी अच्छे काम ना कर पाए, उसमें अड़ंगा डालना, चाहे कोई भी काम हो, यहाँ तक कि जो गरीबों को आवास दिए गए उनमें भी उन्होंने सवाल उठा दिए कि आवास क्यों दिए जा रहे हैं, जनधन अकाउंट क्यों खोले जा रहे हैं, लोगों को शौचालय क्यों दिया जा रहा है, लोगों को मुफ्त अनाज 5 किलो क्यों दिया जा रहा है, लोगों को जो रिचार्ज है वो फ्री 300 रुपये में क्यों हो गया, कि कोई भी सरकार की योजना है उसका विरोध कर रही है। विरोध करना उनकी आदत बन चुकी है और हम लोग भी पहचान चुके हैं, हम लोग चिन्हित कर चुके हैं, और हम लोग वोट देते वक्त ये चीज़ जरूर सोचते हैं कि इन्हें जड़ से ख़त्म करना है। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरीके से UCC लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब उसको जो है विरोध भी कांग्रेस पार्टी कर रही है, इसकी ज़रूरत क्या है इस समय, आप बताइए आपको क्या लगता है, लागू होना चाहिए नहीं लागू होना चाहिए, या फिर दिक्कत जो बता रही कांग्रेस उसे समर्थन कर रहे हैं? मेरा एक ही चीज़ कहना है कि भारत, मेरा भारत, मैं मेरा भारत इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं इस भारत का एक नागरिक हूँ और ये मेरा भारत है, मेरा भारत बढ़ रहा है, मेरा भारत तरक्की कर रहा है, मेरा भारत सम्मान पा रहा है, ठीक है, तो मेरा भारत अगर सम्मान पाएगा तो मुझे भी सम्मान मिलेगा, ठीक है, हर नागरिक को मिलेगा, आज जिस बच्चे ने जन्म लिया उसको भी, और जो वरिष्ठ हैं हमारे 80 साल 90 साल के जो वरिष्ठ घरों में हैं बुजुर्ग, उनको भी सम्मान मिलेगा, जो सम्मान से वंचित रहे, जैसे वन रैंक वन पेंशन आर्मी के लिए, महिलाओं के लिए शौचालय, किसी प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से पहले साल ही ऐसा बोला है कि मैं शौचालय दूंगा,
आपको लगता है कि जो यूसीसी लागू हो रहा है या जिस तरीके से धारा 370 को खत्म किया गया, 35A को खत्म किया गया, राम मंदिर बड़ा मुद्दा था, इन सब को लेकर अब ये कहा जा रहा है कि देश में जो है एक खास विशेष धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरे धर्म को टारगेट किया जा रहा है, इससे कितना सहमत? देखिए मैं बताऊं, इसमें कोई धर्म की बात है ही नहीं। पहली बात तो अगर मुझे अपने आप, मेरे घर है, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ, मेरा घर है, मेरे पास मेरे पॉकेट में 10 रुपये हैं, तो मैं अपने 10 रुपये के हिसाब से अपना बजट बना के चलूँगा महीने भर का। तो उस बजट को बनाने के लिए मुझे 10 रुपये में से 2 रुपये बचाने भी हैं, उसको बचाने के लिए मैं 100 कोशिशें करूँगा। तो अब देश ये चाह रहा है सिविल कोड लाया जाए, सिविल कोड के अंतर्गत अगर मेरे को भारत को कुछ फायदा होता है तो उसे किया जाए, और सिविल कोड लाना भारत के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इस बात को देखिए, चाइना की पॉपुलेशन हमारे भारत से 2000 में बहुत ज़्यादा थी, हम उनसे कम थे, हम 95 और 97 के बीच में थे और वो थे 1.5। आज उनकी जो आबादी है 1.22 करोड़, ठीक है, हमारी कितनी है 142, हम उनसे 20 लाख आगे चले गए। और ऐसा ही रहा ना तो 5 साल बाद और देखिएगा, सिर्फ 5 साल बाद हम 1055 क्रॉस करेंगे और वो 1027 पे पहुंचेगा। आपका नाम एक बार बता दीजिए। मेरा नाम हुआ साहिल कुमार चौधरी। साहिल, ये बताइए कि देश में यूसीसी लागू हो रहा है और विपक्ष ये बोल रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, आपको लगता है यूसीसी लागू करना इस समय जरूरी है कि नहीं? अरे भाई बिल्कुल जरूरी है, यूसीसी जब तक लागू नहीं होगा ना तब तक भारतीय संस्कृति का बेड़ा गर्क हो रहा है, और यूसीसी अगर लागू हो गया तो बहुत अच्छी बात है, इससे तगड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती। क्या इससे पहले इतने सारे नेता है खा पी करके गए, उन्होंने ऐसी सोच अपने देश के प्रति रखी? भाई यूसीसी जो है वो भी तो अपने देश के सम्मान को बचाने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कितने नेता है खा पी करके चले गए, लेकिन एक प्रधान माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ही ऐसे मंत्री निकले जिन्होंने देश हित के लिए काम करा, ठीक है। आपको नहीं लगता कि इस देश में जो है यूसीसी की इस वक्त ज़रूरत है नहीं है, क्योंकि चाहे ओबीसी हो या फिर कांग्रेस की पार्टी हो, ये लोग तमाम आरोप लगा रहे हैं कि देश में वायलेंस बढ़ाने की तरफ जो है मोदी सरकार इस मकसद से भी यूसीसी को लाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 2024 का मुद्दा। वायलेंस तो 1975 में बढ़ गया था, सबसे जब बड़ा वायलेंस वो था जब सेकुलर धर्म निरपेक्ष हटा करके सेकुलर ऐड करा दिया था, वो वायलेंस नहीं हुआ। दूसरा वायलेशन तब हुआ जब सेकुलर हम लोग इतने ज़्यादा ही है तो माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना रखी है? मत बनाइए, इतने ज़्यादा सेकुलर है, आपकी बात को स्वीकार कर रहा हूँ, माइनॉरिटी कमीशन को ख़त्म कर दीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं ख़त्म? आपकी ही तो देना सेकुलर और माइनॉरिटी कमीशन की, उसमें भी मोदी जी देने आए। अब गुजरात में अब यहाँ पे कोई आ रहा है कांग्रेस का प्रवक्ता, वो कह रहा है मोदी की सरकार है गुजरात में बीजेपी की, इसलिए तूफान आ गया। है भाई तूफान प्राकृतिक आपदा है, वो सोच समझ के नहीं आती, घर परिस्थिति नहीं देखती, तूफान प्राकृतिक आपदा जब आनी होगी तब आएगी।